देखते हैं डिफरेंसेस एसिड्स और बेसिस के बीच में एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में मिक्स करने पर एच आइंस यानी कि हाइड्रोजन आइंस को प्रोड्यूस करते हैं बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में मिक्स करने पर ओ एच आइंस को प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स के एग्जाम्पल आप एच से लिख सकते हो तो बेसिस के एग्जाम्पल एन यू एच सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो एसिड्स की जो स्ट्रेंथ होती है मीन्स एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन कंसन्ट्रेशन के ऊपर मीन्स कितने एच एंस प्रोड्यूस हुए हैं ज़्यादा एच एंस प्रोड्यूस हुए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है कम एच एंस प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि वीक एसिड है उसी तरह से बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो ओ एच एंस हाइड्रोक्साइड आइंस पर डिपेंड करती है कि कितना कॉन्सनट्रेशन हाइड्रोक्साइड आइंस का है सोल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है कम प्रोड्यूस होते हैं मीन्स वीक बेस है means, टेस्ट की बात करें तो एसिड सौर होते हैं टेस्ट में बेसिस बिटर होते हैं एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देगा मिथाइल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन में ऑरेंज कलर देगा ये भी एक इंडिकेटर है एसिड्स मेटल्स तो के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं बेसिस भी मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स लिख सकते acid, HNO3, acid, acid, CH3COH, हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच एसिड्स के एग्जाम्पल्स हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ओ एच एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच बेसिस के एग्जाम्पल हो गए